मैम यूज करते हैं. Having said that, आपका फैमिली का एक मेंबर होता है लेकिन ना वो ईद से आ सकता है, ठीक है ना, वो आप देखें कितने भी इवेंट्स होते हैं, समटाइम वो वेडिंग हो रही होती है, वो उसको मिस करते हैं. ये बहुत बड़ी कुर्बानी होती है और ये आम जज्बा नहीं है कि वो अपने मुल्क के लिए खड़े होते हैं, ठीक है. और ये चीज बहुत 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 जबरदस्त है. मैं इनको अगेन दोबारा सलूट करता हूँ. और हम लोग यहाँ बात तो कर लेते हैं लेकिन जब आप फील्ड पे होते हैं ना, लग पता जाता है आपको, जब आपको पता हो कि आगे दुश्मन है और हमने इनको उड़ाना है, ठीक है, तो वो जो फीलिंग होती है ना वो वही जानते हैं, हम सिर्फ बात कर सकते हैं. बिल्कुल. और मुझे रही बात योम तकबीर पे आते हैं, जरा उसके बारे में बताइएगा. देखिये पहले तो मैंने, मेरे मुंह से दो चीजें निकली थी, ठीक है. पहले तो मैंने उस वक्त मैं मतलब 10 साल का था, दस साल का था, तो मुझे ये था कि बहुत खुशी हुई थी. अब इतना ज्यादा पता तो नहीं था लेकिन हम लोग बाहर फ्रेंड थे तो उसने मुझे बताया था कि ये उस सारा सीन हुआ है ना. मैंने उसे कहा अन्नी दे उन लग पता जाएगा था. मैंने यही कहा था, फिर से मुझे याद है कि वो जो इंडियंस है ना उनको कहा था लाइक अब आपको, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हम लोग क्या चीज है. ऐसे ही है बिल्कुल. आंखें उस दिन पाकिस्तान पूरी इंडिया को नहीं, वो तो छोड़ दें, उनको तो हम वैसे भी पकड़ लेते थे, उस टाइम हम पूरी दुनिया को आंखें दिखाने के काबिल हुए थे उस दिन. बिल्कुल. और मानी भाई आपको एक बात बताऊं, हमारा जो आज का स्टेटस है ना, हम लोगों का इंटेलिजेंस इतनी जबरदस्त है ना, कोई भी दुनिया में कोई भी, मतलब इस दुनिया में कोई भी कंट्री हम लोगों का मुकाबला इंटेलिजेंस से नहीं कर सकता. ऐसे ही है. उसके अलावा जो हमारी मैन पावर है, हमारी मैन पावर पूरी दुनिया से बेहतरीन मैन पावर है. ऐसे ही है. जो हमारी आर्मी है, इंक्लूडिंग वुमेन, ऐसे ही मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, मैन पावर का मतलब वो है, ठीक है. तो आप देखिए ना, अल्लाह ताला ने हमें कितना नवाजा हुआ है, तो हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है, ठीक है. हम लोगों के पास टूल्स भी है और हमारे पास विल भी है और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है. बस एक चीज है कि हम लोगों ने जैसे हम यूनाइटेड है ना ऐसे ही रहना है. लोग बहुत कोशिश करेंगे, जो हमारा दुश्मन है ना वो हमें बिखेरने की कोशिश करेगा लेकिन हम नहीं बिखरेंगे इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच उस्मान, अपना बहुत सारा ख्याल रखें. ये जी उस्मान थे हमारे साथ, यूके से इन्होंने कॉल की. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम मुश्ताक साहब, मुश्ताक मियांवाली से पाकिस्तान आर्मी. जनाब मुश्ताक साहब वेलकम टू द शो. जनाब कैसे हैं आप? ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ जनाब. सो क्या पैगाम लेके आए हैं बाकी भाइयों के लिए? यही सुन रहे हैं आपका ये 18 मई का. जी जी नो? जी जी तो बताएं जरा उस टाइम पे जब आपने पहली दफा सुना कि पाकिस्तान ने कर दी एटमी धमाके, तो क्या चला जहन में, क्या था? बिल्कुल नारे तकबीर, उस वक्त हम बॉर्डर पे थे. हाँ जी जी मुश्ताक साहब बोले, आपकी आवाज आ रही है. जी जी मुश्ताक साहब आवाज आ रही है, आप बोले. ये बड़ा इंटरेस्टिंग कोई वाकया आने वाला था लेकिन बीच में रह गया. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी. कौन कहाँ से? शहीर फ्रॉम लाहौर. शहीर जी? शहीर द डूड. या एग्जैक्टली. क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मैं बिल्कुल ठीक हूँ शहीर. तो पाकिस्तान आर्मी के लिए क्या मैसेज है, क्या पैगाम है? पाकिस्तान आर्मी के लिए थैंक्स के उन्होंने हमें एक मुल्क जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं है ना पॉसिबल बनाया है. बिल्कुल ऐसे ही है. एंड अबाउट योम तकबीर, ऑफकोर्स हम उस टाइम मैं नहीं थे लेकिन जब हमने पढ़ा था तो फीलिंग ये थी कि वी आर नॉट लेस देन. अगर जो ताकत फोर्सेस बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज के पास नहीं है, हम एक डेवलपिंग कंट्री हो गए, उसे हमने हासिल कर लिया, अब हमें कोई ललकार के दिखाएंगे. बिल्कुल जी, वो कहते थे ना कि रूखी सूखी खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे. सो एटम बम तो बन गया जी. एग्जैक्टली. लेकिन मानी भाई 1 बजे के बाद बड़ा आ सकते हैं? जी जी 1 बजे के बाद टॉपिक चेंज होगा, फिर आप आएंगे. ये पहला घंटा जो था वो पाकिस्तान आर्मी के नाम था. थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो. शहीर से जी हमारे साथ लाहौर से इन्होंने कॉल की. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम जी. कौन कहाँ से? कभी परचम में लिखते हैं, कभी हम राजी होते हैं, जो हो जाती है माराजी तो बेटे राजी होते हैं. नारे तकबीर अल्लाह. क्या बात है जी, मैंने कहा सबसे अच्छा विश किया, सबसे अच्छा पैगाम लेके आई है आपने. आपने बेहतरीन तरीके से आर्मी वालों को बताया कि हम वी लव यू. और एक लाइन और बोलना चाहूंगी. जी जी बिल्कुल.
मेरे ढोल सिपाया तेनु रब दिया रखा, रब दिया रखा। सर फखर से बुलंद और सीना चौड़ा और आंखें जो है ना हमने दुश्मनों की आंखें में डाल दी कि हाँ हूँ आओ दिल बना रहे हो आओ तो अनु गले मिलिए है आओ तो अनु दसिए नाम बताएंगे जी नहीं गले मिलके तो अड़िया पसलियां बनिए अच्छा नाम बताएंगे अनिला बात कर रही हूँ लाहौर से अनिला अनिला आपने ना महफिल लूट ली है ये एक बजे तक की थैंक यू थैंक यू और फखर से सर बुलंद हुआ जी हौसले बुलंद हुए एक शुजात भारती की मिसाल बन गई और दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तानी है गया अब हो गया उन अच्छा उस वक्त आप थी दुनिया में या नहीं थी उस जी मैं छोटी थी बिल्कुल मैं छोटी थी अच्छा वो याद है आपको वो जी बड़ा बड़ा रौला एक रौनक एक जज्बा जैसे पता चला कि हम भी कुछ हैं हम भी एक ताकत हैं एक पावर अच्छा, है पाकिस्तान के पास अच्छा हमें मुझे ना अनिला बड़े अच्छे तरीके से याद है मैं छोटा था 9 साल का होगा 10 साल का होगा इतना ही होगा ठीक है तो वो परचम वो छोटी छोटी झंडियां मिलती थी ना वो लेके हम ऐसे ही गलियों में घूम रहे थे हमें पता नहीं था पाकिस्तान ने क्या किया है हम लोग कितने फखर से अच्छा मेरी साइकिल थी हम उस पे लगा रहे हैं और अपने घर के जंगलों पे लगा रहे हैं ना और घूम ऐसे झंडियां पकड़ के जैसे हम फौज के बहुत बड़े कोई अफसर या सिपाही है और यूं कितार दर कितार अपने कजन्स के साथ मिलके छत पे परेड हो रही है अच्छा एज पाकिस्तानी हम सबकी ताकत बढ़ गई थी चले पाकिस्तान आर्मी की तो बड़ी थी लेकिन एज पाकिस्तानी हमारी भी तो ताकत में इजाफा हुआ था ना बिल्कुल आप देखिए ना कि हमारे फौजियों का सर बुलंद हुआ और एक जो खुशी और एक जज्बे की लहर ताकत की जो आई कि उसके बाद जो हमारे लोग थे यानी जो आवाम थी वो भी सीना चौड़ा कर करके फिर रही थी कि जैसे हम सारों ने ही ईजाद कर ऐसा लग रहा था ये बॉम्ब जो है ना हमने चला दी है दुश्मनों पे सही कह रही है आपने सही एक्सप्लेन किया थैंक यू सो मच अपना बहुत सारा ख्याल रखें तो माशाल्लाह से मेरे भाई वगैरह सरदार आर्मी है और एयरफोर्स में ना तो इसलिए मैं तो ज्यादा सलूट है जी बहुत ज्यादा सलूट है और मेरा तो सीना ज्यादा खुशी से चौड़ा हो जाता है जब मेरे भाई जहाज उड़ा रहे होते हैं जब मेरे भाई सरहदों की तरफ जा रहे होते हैं कमान ले रहे होते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है खुशी से सर बुलंद हो जाता है तो ये जितने भी सुनने वाले सारे पाकिस्तानी फौज सलूट है इनको मोहब्बत हंसती रहे मुस्कुराती रहे अनिला थी जी हमारे साथ लाहौर से इनका ताल्लुक अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी कौन कहाँ से अमाद बात कर रहा हूँ दासगंज से मनी भाई जी अमाद साहब कैसे हैं आप खैरियत से हैं अमाद साहब ये हमाद साहब की कॉल जब भी मिलती है हमाद के नाम के बाद खत्म हो जाती है अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम मनी भाई वालेकुम अस्सलाम कौन कहाँ से जी मैं शहजाद बात कर रहा हूँ लाहौर से जी शहजाद वेलकम टू द शो क्या कहना चाहेंगे क्या पैगाम लेके आए मेरे भाई थैंक यू सो मच मानी भाई सबसे पहले तो पाकिस्तान आर्मी और पाक फजाइया को मेरा सलाम और दूसरी बात ये कि हम इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक की मदद से हम सबको मजा सिखा सकते हैं इंडिया तो हमारे आगे कुछ भी नहीं है ठीक है जब तक अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है ना हमें कोई मुल्क कोई दुनिया का कोई मुल्क कुछ नहीं कर सकता ये मेरा यकीन है और ये मेरा ईमान है मानी भाई तो बाकी ये है कि जब तक इंसान एक इंसान की हेल्प नहीं करेगा कुछ नहीं हो सकता और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान 14 अगस्त योम पाकिस्तान हम बहुत शौक से मनाते हैं ठीक है क्योंकि कायद आजम ने हमें एक तोहफा दिया है पाकिस्तान का ठीक है मानी भाई बिल्कुल हमें इसकी कदर करनी चाहिए और हम लोग नहीं है हम एक दूसरे के भाई भाई हैं हम मुसलमान हैं और हमारी ताकत यही है कि अल्लाह ताला हमारे साथ है और हमें कोई भी दुनिया का कोई भी मुल्क हमें कुछ नहीं कर सकता कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता हमारा और राहील शरीफ को मेरा सलूट है बहुत शुक्रिया शहजाद बहुत शुक्रिया अपना बहुत सारा ख्याल रखो शहजाद थे जी हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी कौन कहाँ से नीलोफर खटक बात कर रही हूँ वाकेन से नीलोफर खटक वेलकम टू द शो क्या कहना चाहोगे नीलोफर मानी पाक आर्मी के हवाले से तो छोटा सा शेर है दो लाइनों का अगर जंग में अड़ जाते थे पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे क्या बाकी था इसमें सवाल से ही कहूंगी कि उस वक्त मैं छोटी सी थी लेकिन बात मतलब कितनी छोटी थी कितनी छोटी थी
ये तो मैं नहीं बताऊंगी मानी है ना पूछे ना मेरे अच्छा। से दिल भी नहीं था करने को मानी पूछेंगे तो अच्छा चले ठीक है हमने मान लिया आप उस टाइम पे आठ सात आठ साल की होंगी हैं अच्छा शुक्रिया उस सात आठ साल के साथ भी आप बत्तीस की बनती हैं अच्छा तो योम तकबीर के हवाले से क्या बताएंगे ये कि पाकिस्तान ने इतने धमाके करके भारत को और बाकी ममालिक को ना इसकी औकात में रहने की वार्निंग भी दी थी और खुश हुई कि इस्लाम दुनिया की पहली और अकवामे आलम के साथ में असली कुवत बन गया था और 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था लेकिन 28 मई को पाकिस्तान ने अपनी बका की जंग जीती थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने ये लाइन इस पे मेरा ख्याल है ये प्रोग्राम का जो पहला टॉपिक था इसको क्लोज करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हंसती रहो मुस्कुराती रहो। ये थी जी नीलोफर खटक और एक शेर पाकिस्तान आर्मी का नाम मेरा एक छोटा सा शेर के कसम अर्ज़े पाक की या काफिर तू मैली आंख तो डाल कसम अर्ज़े पाक की या काफिर तू मैली आंख तो डाल तेरी आंखें ना निकाल लूं तो काफिर कहना। अभी जो है वो मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है बड़ा छोटा सा सवाल है। यकीनन क्वारंटाइन गुजरा लॉकडाउन गुजरा बहुत सारे लोग जो हैं बच्चे जो हैं वो घरों में रहे और खास तौर पे बच्चा पार्टी सारी की सारी अपने अपने घरों में मौजूद रही इस सारे टाइम में तकरीबन तीन महीने का टाइम गुजरा। सो आज एक छोटा सा फनी सवाल है मेरे पास कि आपने इस क्वारंटाइन में कितनी दफा आपको कुट पड़ी यानी कि कितनी दफा मार पड़ी घर में और जो आपकी अम्मा का बिहेवियर था जब आप बाहर जाते थे तब कैसा था लेकिन जब मुसलसल घर में रहे तब कैसा था मतलब आखिरी दफा यानी कि क्वारंटाइन के अंदर देखते हैं जी किस बंदे ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स लिए यानी कि किसने सबसे ज्यादा मार खाई। सो कॉल करेंगे आप 111-000-101 और मैं आपकी आवाज से अंदाजा लगाऊंगा कि आपको कितनी दफा मार पड़ी है। सो मार पड़ने से मुराद ये नहीं है कि प्रॉपर मार पड़ना ना मतलब कभी चिमटा पड़ गया कभी बेलना पड़ गया कभी चप्पल पड़ गई। वैसे अम्मा की चप्पल बड़ी घूम के आती है ऐसे लग रहा होता सकलैन मुश्ताक ने गुगली की है। सो जनाब जिन जिन ने ये गुगली सही है वो मुझे कॉल कर सकते हैं कॉलिंग नंबर मैं आपको बता चुका हूँ। सो टॉपिक चेंज हो चुका है। सो अभी हम जरा शुगर लगाएंगे जरा गप लगाएंगे लोगों के साथ कि कौन क्या करता रहा इस क्वारंटाइन में। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ठीक हूँ कौन कहाँ से जनाब क्या कहना चाहेंगे सर। ये मैं तो रमजान से एंड पे आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ सर। बहुत के बारे में आपने कहा है तो आर्मी को तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में हमारी आर्मी बेस्ट है सर क्योंकि हमारा जो मुल्क है ये ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे हमने हासिल किया है। इसकी तरफ देखना तो दूर की बात है इसकी सोच जो करेगा वो मजबूत हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जनाब बहुत शुक्रिया अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अब टॉपिक जो है वो चेंज हो चुका है 111-000-101 जिन्होंने नया टॉपिक सुन लिया वो मुझे कॉल करेंगे बाकी लोग जो हैं वो कॉल नहीं करेंगे। पूरा एक घंटा हमने पाकिस्तान आर्मी पे बात की आपके मैसेजेस पढ़े आपकी कॉल्स ली लेकिन अब हम चलेंगे जी जरा बच्चा पार्टी की तरफ। इन्होंने क्वारंटाइन गुजारा इन्होंने लॉकडाउन गुजारा है तो यकीनन इनकी छतरोल सही हुई है घर में काफी बच्चे जो है वो सुधर गए हैं। सो आज सुनते हैं जरा इनकी जुबानी किसी को कितनी कितनी दफा मार पड़ी है और वाकयात भी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मानी भाई। जी वालेकुम अस्सलाम कौन कहाँ से। अब्दुल
कादिर बात कर रहा हूँ, पिछले घंटे मैंने आपको कॉल दी थी। जी जी अब्दुल कादिर। सर आज मेरी लाट भी लगी हुई है, शो में भी कॉल से सर कॉल लग जाती है। मैं दो मिनट से रेडी सुना, कभी मेरी कॉल नहीं लगी, आज पता नहीं क्या हुआ कॉल लगी। आज आपके पास गिदड़ सिंह आ गई है कॉल मिलाने वाली। हाँ जी सर, आज मैंने आपके शो में पहली बार कॉल की है, आज मैंने आपके शो में तीन बार कॉल लगी है, एक बार पिछले घंटे में, एक बार मैंने कॉल करके काट दी थी, अब फिर कॉल लग गई। देखें क्या बात है, छा गए हो फिर है, गिदड़ सिंह आ गई है हाथ में, कल को ट्रिक आ गई है कुछ हो गया। दो मिनट सुन रहा हूँ, रोजाना कॉल मिला तो सर बक्की के शो में कभी कॉल नहीं लगी, बाकी हर शो में कॉल लग गई है। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है, उसके शो में भी लग जाती है, ट्रिक होनी चाहिए बंदे के पास। अच्छा मुझे ये बताओ कि हाँ क्या कहना चाह रहे हो जी, आप बात करें ना, बात करें। मैंने सवाल तो पूछा है ना मेरे भाई कि इस लॉकडाउन में, इस क्वारंटाइन में कितनी दफा आपको सफाई हुई है आपकी, मतलब मार पड़ी है आपको? उन्नीस तो कभी नहीं पड़ी है, मुझसे बहुत बार सफाई हुई है, बहुत बार हुई है। अल्लाह जो है वो हथियार यूज किए गए आपको साफ करने के लिए? साफ करने के लिए स्टिक यूज की गई माशाल्लाह, और वो होता है ना वो पाइप सा, वो पतला सा पाइप होता है, वो गैस वाला। वो पुराने सारे के सारे जितने मेरे भाई प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको पता होता है, हमारे जो अभी के अब्बा हजूर होते हैं ना इस दौर के, वो नहीं मारते उसके साथ, लेकिन जो पुराने बाप थे मुझे मार पड़ती थी बाहर जाने। अच्छा बाहर जाने, क्यों जाते थे बाहर? बस जिस टाइम को जाता था घर में लेट के बाहर निकलने, थोड़ा सा पांच मिनट के लिए जाता था बस, अब्बू जी पीछे से आवाज लगाते थे, फिर मेरे अम्मा, फिर मेरा अल्लाह अल्लाह होता था। अच्छा असल में ना वो तुम्हारे लिए आवाज नहीं लगा रहे थे, वो कह रहे थे कि ये बाहर जाके कोरोना ही ना लेके आ जाए मेरे लिए। अच्छा चले, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, आज लॉटरी लगी है इसका मतलब ये नहीं लंबी कॉल होंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? मार बात कर रहे हैं जी। जी हमारा साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र आप? मैं बिल्कुल ठीक अल्लाह का शुक्र। सो क्वारंटाइन गुजर गया, लॉकडाउन गुजर गया मेरे भाई, कितनी दफा सफाई हुई आपकी? कुछ नहीं नहीं, फिर भी हम पूछ रहे हैं ना, तो बता दे कितनी दफा? बस एक ही मारा है। अच्छा एक ही दफा मारा है, लेकिन सही मारा है? नहीं इतना जोर से नहीं। अच्छा इतनी जोर से नहीं मारा, लेकिन के अम्मी जो थी वो काफी बुजुर्ग थी इसलिए भाईजान को समझ नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी आवाज से तो नहीं लग रहा कि आपको मार पड़ती है। सर मार तो पर मैं फुल सर नाजुक था यहाँ पर में। अच्छा तो यकीन करें मैं घर से जब भी बाहर जाता था वालदा मुझे बड़ी गालियां देती थी। हालांकि मेरे खुद माशाल्लाह मेरा बेटा आर्मी में। अच्छा यकीन करें माँ तो माँ ही होती है। बिल्कुल जी, माँ के लिए ना आप नाजम है ना आपके बेटे फौजी हैं, माँ के लिए तो आप बेटे हैं ना बस। बिल्कुल सर। तो सर ये बात तो ये है कि मेरी कैटेगरी में मजबूरी होती थी, लोग आते थे काम के लिए तो देरी बात है बाहर जाना पड़े, लेकिन बीसती वही होती थी वापसी पे। नहीं नहीं वो बुजुर्गों का समझाना बड़ा मुश्किल होता है ना। बिल्कुल। और खास तौर पे वो बुजुर्ग जो टीवी देख रहे होते हैं उनको समझाना तो नामुमकिन होता है। वो तो ऐसे ही लग रहा होता है दरवाजे पे कोरोना ही खड़ा है आगे। मानी भाई आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अल्लाह आपको नजरे पास से बिठाए। सर जजाक अल्लाह, खुश रहे। हरिपुर से बात कर मेरा नाम सर, बहुत शुक्रिया। सर आप मैं अभी चंद दिन हुए रेडियो सुनने लगा। अच्छा तो मैं आपके प्रोग्राम पर सब्सक्राइब करता हूँ, कॉल आउट लग गई थी कभी कभी। चलो ये तो अच्छी बात है, आपका प्रोग्राम आपके साथ जो पहले दूसरे करते थे रमजान में बड़ा मजा आता था मुझे। अच्छा कंबाइन शो की बात कर रहे हैं अभी, मेरे शो के फौरन बाद सजाद साहब का प्रोग्राम है और सजाद साहब भी आ चुके हैं, सो आखिरी 10 मिनट में मैं और सजाद साहब इकट्ठे ही होंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, मजीद कॉलर्स को साथ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, आपकी आवाज़ से लग रहा है माशाल्लाह बहुत मार खाई है आपने। जी जी अली अली जाफरी। अली जाफरी साहब कैसे हैं आप? ये अल्लाह का शुक्र मानी भाई आपकी दुआएं नाम। मेरी दुआएं हल्के, मैं ना हल्के रात को दूध पी जाता था ना फ्रिज में से निकाल के ना सुबह उससे थे ना घर वाले तो वो पूछे थे आपकी पतीली खाली होती थी ना ठीक है तो वो जनाब ना सही मार पड़ते मुझे ना पैप के साथ ना मेरा जनाब हल्के मानी भाई पेशाब निकल जाता था। अच्छा नहीं मुझे ये बताओ जब 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 पानी जब दूध पी जाते थे तो घर में कोई ऐसा तरीका बनाना था ना कि घर वालों को लगे बिल्ला पी गया है, बिल्ली पी गई है। वो ना असल में ना आ रहा घर वालों को पता था कि घर के अंदर ही बिल्ला है।
अच्छा कितनी दफा वैसे मार पड़ी है? मानी भाई आप अंदाजा नहीं करना, हाल के 3 माह हो गए हैं, ठीक है, तो कम से कम ना 10 बार मार पड़ गई ना। 3 महीने में 10 दफा मार पड़ी है, तो भाईजान रेशो कम है। हल्के ना बनना भी ना सोच गई। ये जो माँ की खुराक होती है ना, जो अम्मा देती है, ये 3 दिन के बाद ले लेनी चाहिए। ठीक है, कोरोना का खाना खराब हो जिसकी मैं हो रही है। अच्छा, जो घर में बैठने नहीं चाह रहे थे, कोरोना ने उसको भी घर में बिठा लिया। चले, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? मुजना बात कर रही हूँ, रावलपिंडी से। माशाल्लाह मुजना, आपकी आवाज में ही दर्द है, कितनी मार खाई है? मेरा तो माशाल्लाह से पैकेज लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, फ्री इंटरनेट पैकेज, फ्री मार पैकेज लगा हुआ आपका है? हाँ जी। अच्छा, तो कितनी दफा को अंदाजा बंदा गिनी लेता है? कैलकुलेटर रख लिया करो ना पास, जब मार पड़ती है ऐड कर लिया। रमजान में तो सही टाइम और सारी टाइम पड़ती थी, जैसे डांट नहीं होगी मेडिसिन होगी। अच्छा ठीक हो गया, मतलब ये भी सहरी के साथ खानी है आपने। अच्छा, और अभी तो रोजाना रात को पड़ती है। अच्छा ये क्या, अच्छा क्या लवाजमात होते हैं, कौन कौन से मतलब मेन्यू में क्या होता है मार की? बस जुबान होती है, क्या होना था। अच्छा, जुबान से मार पड़ती है। अब थोड़ी सी बड़ी हो गई ना, मारना तो नहीं अच्छा लगता ना मामा को। अच्छा, मतलब बेलना भी नहीं मारा कभी? नहीं, बचपन में कहा करती थी लेकिन मारती नहीं थी। अच्छा, कभी घूमती हुई सकलैन मुश्ताक वाली गुगली खाई है? हाँ वो खाई है। वो तो सारे ही खाते हैं, मेरे सुनने वाले सारे ही खाते हैं, मुझे पता है। असल में ना मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं खुद भी बड़ी खाई है मैंने। मेरी अम्मा का निशाना तो ऐसे घूम के आता था, हवा के साथ जो है ना जूती स्विंग करती थी। और बिल्कुल सही वाला निशाना आता है, ये भी नहीं इधर उधर हो जाए। अच्छा अच्छा, माए वैसे हमारी जो है ना, उनको अगर क्रिकेट टीम में खिलाया जाए तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा रन आउट करे। मैं सही बता रहा हूँ, बड़े पक्के निशाने होते हैं माओं के। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अच्छा रुकी। हाँ रुक गया। वो मेरी फ्रेंड्स को हाय बोल देना। जितनी भी मुजना की फ्रेंड सुन रही है ना, सबको मेरी तरफ से हाय हाय। अल्लाह हाफिज। मुजना की सारी फ्रेंड को हाँ हाय। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल जी 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 जी। अच्छा जी, तुसी तुसी जी कितू जी? आज जरा भाग के दिखाना, आज तो आपने ही कॉल देनी है। जी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, साइमा बात कर रही हूँ। जी जी, लग गया पता जी। हाँ जी, पहले तो मनी भाई सबसे जरूरी बात कि मैं बड़ी अच्छी बच्ची हूँ, मुझे कभी मार नहीं पड़ी। माशाल्लाह, जो बंदा ऑन एयर आके इतनी शराफत का मुजाहरा करे ना, उससे डरना चाहिए। ए वो कुड़ी है जेडी फोन बंद होने तो बाद इन्हें फिर मार पैनी है। सारे सो रहे हैं, अभी मुझे कोई नहीं मार सकता। अच्छा, अभी कोई चले, ये ऑन एयर मान गई है कि अभी कोई नहीं मार सकता। तो क्या सो सकता है? अच्छा, कभी किसी को मारा? नहीं मानी भाई, मेरा दिल नहीं करता, मतलब मेरी बहन जी भतीजे वगैरह हैं, छोटे छोटे हैं। अच्छा, मैं कहती हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ जितनी फ्रेंडशिप रखेंगे ना, ठीक है, उनको ये होना चाहिए कि आप उनको डांट के। अच्छा, मैं बच्चे ठीक करने के तरीके नहीं पूछ रहा मेरी बहन। नहीं, मतलब होते ना पेरेंट्स बच्चों को मारते हैं, ये सबसे गलत तरीके। अच्छा ठीक हो गया, मिटा जाते कि वो स्पेशली अपने बच्चों को मारने के लिए। मैंने कहा साइमा तुम्हें भेजते हैं किसी एनजीओ के शो में। अच्छी तरह आपने ये नहीं पूछा, 98 के जमाने में आप कितने साल की थी? नहीं, 98 के जमाने में आप कितने साल की थी हमें अंदाजा है। जी नहीं, 101 भी तो तभी बना था। जी जी, हम तो तब बने भी नहीं थे। और मैं तो 1 साल 2 दिन की थी उस वक्त। जी माशाल्लाह, 1 साल 2 दिन की, कितना बड़ा झूठ और कितने बड़े चैनल पे मार गई ये लड़की है। और मेरी तरफ से अच्छा मानी भाई, पहले तो उनको अनिला की बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू यू, मेनी मेनी हैप्पी डे टेंथ ऑफ द डे स्वीट अनिला। और उसकी कल शादी की सालगिरह थी, उसको शादी की भी सालगिरह मुबारक हो। इसके अलावा शुक्र है उस्मान भाई की आवाज़। अच्छा चले, अनिला की बर्थडे तो आ गई, ऊपर से जो है एनिवर्सरी भी है। सो माशाल्लाह, अनिला पे तो मुझे लग रहा है कि अनिला तो बहुत खुश होगी, लेकिन मुझे मेरे भाई पे तरस आ रहा है।
देखे मैं इस बात के ऊपर तो एतराज ही नहीं कर रहा ना, मैं उस भाई भाई की सिचुएशन के ऊपर देख रहा हूँ कि एक तरफ बर्थडे वो सेलिब्रेशन, दूसरी तरफ एनिवर्सरी। अच्छा वैसे ये बात है, हम लड़कों को तभी तक बातें आती है जब तक शादी नहीं होती, उसके बाद सारी बातें गुन्नी हो जाती है। और मेरी तरफ से अजमत को भी सलाम। चलें थैंक यू सो मच। जरूरी बात आपको 101 की कुर्सी नहीं पसंद ना, पिंडी से सारी कुर्सियाँ खरीद के भेजूं? नहीं नहीं, मुझे कुर्सी चाहिए नहीं जी, मैं मजदूर आदमी हूँ, लोगों को एंटरटेन करने आता हूँ, मैं खड़ा होकर प्रोग्राम करता हूँ। ओके जी, कोई बात नहीं मानी भाई, 101 का स्टूडियो इतना प्यारा है, हम नीचे जमीन पे भी बैठ सकते। थैंक यू सो मच साइमा जी, हमारे साथ अगले कॉलर की जानिब जाएंगे, देखेंगे उसको कितनी मार पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी भाईजान, आपकी तो आवाज ही नहीं निकल रही, लगता है ताजी ताजी पड़ी है। नहीं नहीं यार नहीं, काफी अरसा हो गया है मार का, अभी तो दिल करता है माँ के यहाँ भाईजान। अच्छा माँ से मार खाने को दिल कर रहा है, अगर वैसे मार खाने को दिल कर रहा है तो इधर आ जाओ। नहीं नहीं वैसे नहीं, मेरे हाथ में खारिश हो रही है। माँ के हाथों की माने भाई। अच्छा कितनी दफा वैसे खाई है अभी? बहुत बार खाई है माने भाई, याद नहीं है अभी तो। अच्छा आखिरी दफा किस चीज से खाई थी ये बताओ? घर से निकले काफी अच्छा हो गया। घर वालों ने निकाल भी दिया है? अच्छा ये बहुत मार खाई है, मार मार के घर वालों ने निकाल दिया इसको? बस ऐसा ही है कुछ। अच्छा तो निकाला क्यों घर वालों ने? खुद ही निकले सर जी। अच्छा अच्छा ये फैसला भी खुद ही था, मार ज्यादा पड़ती थी, सोचा कि बस बाहर ही चला जाऊँ। हाँ जी बिल्कुल सर। नाम बताएंगे? नाम नहीं बताया आपने। अयाज बात कर रहा हूँ। अच्छा अयाज बात कर रहे हो, ठीक हो गया। अयाज तो पाकिस्तान से निकाल दिया ना फिर तो? जी जी पाकिस्तान से निकाल दिया। हाँ तो क्या पैगाम देना चाहोगे अम्मा को आज? अम्मा को आई लव यू, आई मिस यू। तो मार अम्मा की मार को भी मिस करते हो? बिल्कुल सर, बहुत मिस करता हूँ। ये वैसे एक बात सच है, जो मतलब जिनकी माएँ हयात हैं उनके लिए इतना है कि बस इनका ख्याल रख लीजिए, ये वरना इनसे मिलने कब्रिस्तान जाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? माया, माशाल्लाह माया, आपकी आवाज़ में बहुत दर्द है। अभी आ रही है? जी जी आवाज़ में दर्द है, मैंने कहा दर्द है। वो मार करती रहती है ना इसलिए। अच्छा इस कोरोना सीजन में कितनी दफा पड़ी है? तो बहुत ज्यादा पड़ी है, गिनती नहीं कर सकती। नहीं फिर भी कोई अंदाजा? हाँ, कैसे गिनती करूँ, दो महीने होने वाले, मतलब दो कोरोना सीजन में तो मतलब लॉकडाउन तो किया हुई नहीं है। अच्छा माओं के पास ना लॉकडाउन में शुगर ही ये था? हाँ ना यही था, और वो ज्यादा उम्मीद के हाल में जो कुछ थी वो मार देती थी। मतलब अम्मा को अपने मियाँ पे गुस्सा आता था, निकालती बच्चों पे थी है? अम्मी को छोटे भाइयों को भी आता था, मुझे निकालती बड़ी है ना इसके। अच्छा ठीक हो गया, मतलब हम आपके दुख में बराबर के शरीक है माया चौधरी। लेकिन मैं भी गुस्सा निकाल लेती थी, जैसे भाइयों को मार लेती थी। अच्छा आपने भी आगे माशाल्लाह तरीका रखा हुआ था कि अगर मुझे मार पड़ेगी तो मैं यहाँ बदला उतारूंगी। ऐसी लड़कियाँ बहुत तेज होती हैं, इन लड़कियों से दूर रहा जाए। तो नहीं, होते। नहीं हम भाई जरा शरीफ से होते हैं ना, इसलिए बहनों से मार खा भी लेते हैं। बिल्कुल नहीं शरीफ नहीं होते, तेज होते हैं। अच्छा तेज होते हैं कौन? हाँ, आप अपने आप को देख रहे हैं। जी जी मैं माशाल्लाह, मेरे से सादा बंदा आपको मिलेगा कहाँ पे? नहीं मतलब ये लड़की तो ऐसे हंसी है जैसे मैंने झूठ बोला है। अच्छा आप 12 बजे से क्यों कर रहे हैं मानी भाई? जी जी गलती से अच्छा मेरी भी आंख से यही घंटे का शो मिस हो गया। ओए होए माँ सदगे जे, मसला नहीं है, आग जाके प्रोग्राम खत्म होगा, यूट्यूब पे सुन लेना ठीक है? अपना बहुत सुन लूंगी, लेकिन अभी मैंने मतलब बारिश होने वाली है ना तो मेरी आंख एकदम से, मैंने बोला आज तो फ्राइडे हो सकता है मानी भाई का शो हो, तो वो कह रहे थे कि ग्रुप में हो सकता है कि मैं शो करूँ। मैंने रेडियो ऑन किया तो आपका शो था, मैं नीचे जाकर सुन के आपको कॉल कर दी। चलें थैंक यू सो मच जी। और ये माया चौधरी की दास्तान भी बिल्कुल वैसी है जी, इसको भी माशाल्लाह बहुत मार पड़ी है कोरोना सीजन के अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम मानी भाई। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, बड़े हर्ष अल्लाह का मुझे बहुत कराना, चौथी कॉल लगती है। आप अभी आपकी कॉल को मैं एंटरटेन नहीं करूंगा, एक शो में एक ही कॉल भाईजान, असल में मैं एक नंबर से मुसलसल कॉल्स ले रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, मैं मानी भाई जी, कौन बात कर रही है?
हेलो हेलो मनी भाई, मैं इमान बोल रही सियालकोट से। इमान, मैं इमरान को बोल रहा हूँ इस्लामाबाद। की हाल है? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ते सुनाओ फिर, कितनी बारी कुट खादी फिर? मैं खाती रहती हूँ। अच्छा, रोटी नहीं? भाइयों की वजह से भी कुछ, अपनी वजह से भी। अच्छा, रोटी शोटी खाते हो या रोटी नहीं खाते, बस ओदी जगह कोटी खाते हो? तो भी। अच्छा, दो चीजा खाते हो फिर तो माशाल्लाह काफी हेल्दी होवोगे तुसी। हैं हां जी मानी भाई, मैं आपको इतने दिनों से मैं आपकी थाईलैंड की आवाज और आपका शो बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया। एज कितनी है आपकी? मेरी माशाल्लाह 20 इयर्स। अच्छा, 20 इयर्स। आवाज से मुझे ऐसा लग रहा था मैं 9-10 साल की बच्ची से बात कर रहा हूँ। नहीं, नहीं नहीं, ये सियालकोट ही पहचाने नहीं जानते। सही बात है, सियालकोट में कोई नहीं पहचाना। हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सियालकोट जो है ना, वो अपने लहजे की वजह से ऐसे लगता है थोड़े छोटे छोटे। मैं आपको इतनी देर से कॉल सुना रही थी, अब शुक्र गई है। चलो, और कुछ कहना चाहोगी? जी नहीं, और आपको हमेशा खुश रखे, और मैं आपको ना फेसबुक पे बहुत से मैसेज करती हूँ बाइक की आईडी से। चले, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। और जनाब, ये जो सियालकोट की आवाज है ना, ये मतलब मुझे वो पंजाबी, मैं खुद गुजरात दा, ते मेनू जरा पंजाबी आंदी दा वास्ते, वहां के लहजा ऐसा है कि आवाज वैसे भी छोटी लगती है, लेकिन अगर गुजरावाला की साइड पे बंदा चला जाए तो ऐसा लगता है मतलब वो 12 साल का बच्चा भी बात कर रहा होगा ना, ऐसा लग रहा होगा 42 साल का बाबा बात कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन कहां से? दनीन बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद। दनीन, मुंह से बात कर रही हैं आप? जी, मुंह से भी कर रही हूँ। मतलब क्या सिखाएंगी आप बच्चों को? टीचर हैं आप कह रही हैं मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। अल्लाह ने अच्छी खासी आपको जुबान दी है, आप मुंह से बात कर रही हैं, सही बताएं लोगों को? मोबाइल से भी कर रही हूँ। अच्छा, मोबाइल से भी कर रही हैं, तो फिर तो इसका, अच्छा मोबाइल से भी कर रही हैं, इस्लामाबाद से भी कर रही हैं, मुंह से भी कर रही हैं। हां जी, आपको इतने टेक्निकल होने पे वेलकम करते हैं प्रोग्राम में, शुक्रिया। अच्छा, तो इन कोरोना सीजन के अंदर क्या मेन्यू रहा आपको? कोई मार नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो बचपन से मार नहीं पड़ी, लेकिन हाँ बेस्ती बहुत बार हुई है। अच्छा, वो भी 2% मोबाइल की वजह से। दो टके के मोबाइल की वजह से, ठीक हो गया। नहीं, बेस्ती वालों को तो मैंने काहे नहीं कॉल करे ना, मैं तो माशाल्लाह उन लोगों की साथ आज इजहारे हमदर्दी कर रहा हूँ जिनको मार पड़ती है। तो बेस्ती बीमार से ज्यादा बुरी होती है। नहीं, बेस्ती बंदा बर्दाश्त कर लेता है ना, वो तो अंदर की जंग होती है ना, ये जो फिजिकल जबर होता है ना, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये तो अब हम बड़े हो गए ना, तो इसलिए इससे दूर दूर ही है। तो अम्मा का निशाना ठीक है वैसे अभी भी? क्या पता, शायद कभी मारा नहीं है, ये तो कह रही हूँ, तो कभी भी मार नहीं पड़ी, कभी भी, बचपन से लेके अभी तक नहीं। अच्छा ना, अपनी अम्मी का निशाना टेस्ट करने के लिए ना, दूर खड़ी होकर कहना जरा एक स्विंग बॉल करवाए। हाँ, वैसे ये तरीका भी है। मुझे, मैं इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप किसी कोने में छुप भी जाए ना, अम्मा फिर भी निशाना बना लेंगी। हाँ, चले ये भी ट्राई करते हैं। चले, अगर गलत निकला तो फिर मुझे कॉल करके बताना कि गलत था, ठीक है? ठीक है। अच्छा, सुने अमल की तरफ से आपको सलाम। वालेकुम सलाम। और मोमना को, अफसर को, रऊफ को, क्या नाम, फिजा को, आयत को, संजना को, माया को, और कौन रह गया, सद्दव को, और क्या नाम है, अनम तो, को, वो तो फैल रह गया, सबको सलाम। तो फैल रह गया, हफीज रह गया, और उसके साथ आ गया जो है ना कदीर भी रहता है। हाँ, तो उनको भी सलाम। चलो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। दिनीन थी जी हमारे साथ, मारिस को नहीं पड़ी लेकिन बिस्ती बहुत होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मनी भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। शहीर फ्रॉम लाहौर जी। शहीर, माशाल्लाह आपकी आवाज में इतना दर्द है, मार तो फिर पड़ती होगी ना? अल्लाह की कसम मनी भाई, इतनी को पड़ती है, क्या बताऊँ आप। आए हाय, आज मैंने वैसे ना बहुत सारे लोगों की दुखती रग पे हाथ रखा है। अच्छा, अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ, जो निशाने वाली बात कर रहे थे, एक दफा ना मैं बाइक को मार के भागा, दरवाजा बंद कर लिया, फिर थोड़ा सा रह गया था जहाँ से आंख नजर आ चुकी, उसके अंदर से आगे झुकी मुझे बच्ची थी। इतनी बुरी बजी थी, क्या बताऊँ। मुझे लगता है कि ये साउथ अफ्रीका की टीम के साथ रही आंटी, बड़ा निशाना पकड़ा। और वो
इतनी मार इसलिए पड़ती है, मैं ना लेट ना जब शो स्टार्ट होता है ना वेब रेडियो पे ऑनलाइन, तो वो भाई है छोटा वो वाईफाई का वो डूटर निकाल देता है, सुनाते मारता तो फिर मुझे मार चले चले जी। शहीर किस सलाम देने दे जी आ जाओ। सलाम तो निशान नासिर हसनैन रजा संजना अब्दुल रहीम यूसुफ सही फातिमा और फातिमा सईद और जितने उनको बोल रहा हूँ नीला उस्मान भाई दुलकर नैन और मीरा। चले थैंक यू सो मच। शहीर थे जी ये भी माशाल्लाह जो है वो मार खाने के शौकीन आदमी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम मानी साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से? सारे कसूर करनौल से अर्ज कर रहा हूँ। मैं तो मार शार की बात नहीं करूँगा जी जी। अगर थोड़ा सा मैं मुख्तसर सब सर करूँ ईद के प्रोग्राम पर तो कैसा रहेगा, वहाँ मार पड़ जाए आपको थोड़ी सी? जी जी आज मुख्तसरन कर दें फिर, अब आपको क्या रोका जा सकता है जब आप आ गए हैं तो फिर। चलिए ठीक है। अच्छा ईद के पहले रात प्रोग्राम तो मैंने सुना नहीं, और दूसरी रात का प्रोग्राम किरके रखा था, ऐसा फील हो रहा था मुझे जैसे तीनों साहिबान बगैर तैयारी के नाना करते प्रोग्राम कर बैठे। हाय 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 बिल्कुल। और ईद की तीसरी रात प्रोग्राम मुख्तलिफ था, और इस प्रोग्राम में वैरायटी भी होती है, बस इसमें मोहतरम जावेद साहब दबे दबे लगे। आप तक के सिंगल प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। ठीक हो गया थैंक यू। आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है। कैसे अच्छा होता है? क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। आप कैसे अच्छे हैं प्रोग्राम में बताऊंगा काल मिलने पर। और अभी तीन मिसरों का एक हाई को मुलाजा फरमाइए, बस मैं फिर खत्म करता हूँ जी जी। कैसे कह दू तुमसे, चुपके से कह दू तुमसे, तुम मेरे हो ना। तुम मेरे हो ना, क्या बात है, थैंक यू। ये आपकी आ रही है ना, तुम मेरे हो ना जी जी किताब। जी मेरी किताब आ रही है। और भाईजान ने क्या खूबसूरत मिलाया वैसे है, ऐसे अच्छे तरीके से तो मैं भी नहीं मिला सका। अस्सलाम वालेकुम जी। मानी भाई खुदा जी मेरी बात सुन ले, मैं थोड़ा की बजाता हूं। जनाब कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? ये फिर आपकी कॉल चली गई है। अच्छा मुझसे गिला मत किया करे, मैं तो सबकी कॉल को एंटरटेन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? मोहम्मद अफसर बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह मोहम्मद अफसर कैसे हैं भैया? मैं बिल्कुल ठीक। सही टॉपिक वाले दिन कॉल करते हो हैं। बस क्या करें हमें तो मार खा खा करना। अच्छा अब घर जाना ही छोड़ दिया। अच्छा घर जाना ही छोड़ दिया, ये घर वाले बुलाते ही नहीं है। वो कहते हैं इस बच्चे को बहुत मार लिया अब इसको रहने दो। जो कसर बात जाती है वो बड़ा भाई की पूरी कर देते हैं। अच्छा बड़े भाई से भी पड़ती है मार? नहीं बड़े भाई से जिस्ती होती है। अच्छा। बड़ा भाई धूप पे ज्यादा फिरता है ना। अच्छा तो आप धूप पे थोड़ा सा कम फिरा है। अच्छा कोरोना सीजन में मतलब पड़ी है? घर जाता हूँ तो हमेशा ही पड़ती है मानी भाई, ऐसे में छुट्टी नहीं मिलती, तो जब भी जाता हूँ ना तो इस दफा तो मम्मी ने वाइपर से मारा है। अच्छा वाइपर से माशाल्लाह, मतलब सफाई सही थी इस दफा है? सच्ची में बता रहा हूँ। तो उसको सैनिटाइज किया था जब दो महीने? नहीं मतलब घर जाता हूँ ना। नहीं सैनिटाइज करके मारा था या बगैर सैनिटाइजर की लगा दिया था? मम्मी तो ऐसे ही शुरू हो जाती है, ऐसे ही आपको पता है। तो भाईजन जब घर जाते हैं ना तो जितने हथियार होते हैं हम सबको सैनिटाइज कर दिया करो, जब मार खानी हो ना तो सफाई पहले कर लेते हैं। नहीं असल में वानी भाई जब दो तीन महीने बाद घर जाते हैं ना फिर खुद भी दिल करता है थोड़ी सी खा लें। हाँ ये बात वैसे सच है। यहाँ पर रह रहकर ना तो बहुत याद आई होती है, फिर वही बातें जब यहाँ पर याद करते हैं ना। और वैसे भी अफसर जो अम्मा की मार होती है वो लगती कहाँ है मुझे ये बताओ। बिल्कुल और अगर अम्मी दिन में, सच्ची बात है पंजाबी अम्मी है ना मेरी, जब तक दिन में तीन चार गालियाँ ना खा लेना गुजारा ही नहीं होता। वो पंजाबी की एक कहावत भी है ना कि माँ दिए गाला के हो दिया नाला। बिल्कुल खुद ऐसी करते हैं। तो हमने बड़ी क्यों दिया नाला पी दिया ने बहुत सुकून मिलता है गुस्से में जब वो गुस्सा होती है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कुछ कहना चाहोगे अफसर? मैं ये कहना चाहूंगा कि कश्मीर के कौमी जानवर को सलाम, पसंद है आपका शो। अच्छा कश्मीर का कौमी जानवर कौन? मोहम्मद रऊफ। अच्छा अच्छा ये ठीक हो गया जी। ये और मानी लवर्स आपको सारी टीम सुन रही है मेरी, आपको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हंसते रहो मुस्कुराते रहो। वैसे ये कॉल जो थी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन ये जो आखिरी है ना कश्मीर का कौमी जानवर है। अस्सलाम वालेकुम जी।
मानी भाई आपसे कुछ पूछना है मानी भाई, सुन लो मेरी गल मानी भाई, थोड़े बीजीएम का नाम की है मैंने दस दो मानी भाई। बीजीएम का नाम है टन 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 टन, लिख ले दो पीछे में आप जो स्टार्ट में लगाते हैं वो वाला दुनिया में अभी जो चल रहा है ये वाला नहीं, इसकी किसकी हो रही है तो ये तो मुझे पता है, जो भी आप बार ने कुछ पहले चलाया था वो वाला बीजे वो भी वो कांतिक मिक्स है जी। और तो मैं सलाम दे दूं अगर आप इजाजत दें जी जी दे 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 नीला जी को सलाम है, बर्थडे मुबारक, और नीलो फर बाजी को, नीलो फर हट बाजी को, और दूध को भी सलाम दे रहा हूँ, दूध वो आज वो भी नहीं आया क्या कहते हैं तुर्कमैन भाई उसको भी सलाम देता हूँ, और शान नासिर को सलाम है, और सजाद खान को सलाम है। चले थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखे, और आखिरकार मैंने इनकी सुनी ली। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन कहा से जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा आपने मार का पूछा था तो मुझे वो जो गद्दी होती है ना कुशन वो उससे पड़ती है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जब सोचती हूँ ना तब मुझे मार पड़ती है। अच्छा अच्छा, आप हमें ये बताने के लिए आई हैं, हम मतलब लड़कों को ये बताने के लिए आई हैं कि हमें कुशन से मार पड़ती है। खुदा की कसम मैं आपको बताऊं, हमारे लिए तो हथियार सिलेक्ट भी नहीं किए जाते, जो चढ़ जाए हाथ में। नहीं नहीं मेरे अब्बू इजाजत नहीं देते। अच्छा मेरे अब्बू कहते हैं कि नहीं, कुशन वाला क्यों मजाक करती है अम्मा, उनको बोले कि उधर से वो टिश्यू पेपर उठा के आपको मार दिया करें। असल में कौन टाइम में मैंने बहुत ज्यादा कुकिंग की पहली दफा, उनको पसंद आई, मेरी तारीफें बहुत हुई। अच्छा तारीफें हुई इसलिए मार कम हो गई है? नहीं वो असल में मैं दिद्दी हूँ ना घर में सबसे। अच्छा मतलब मैं कहना, वो मुझे कहते हैं कि मेरा हाय कहना मान लो तो मुझे हाथ हल्का होता है। अच्छा बच्ची को खाना बनाना भी आता है? बच्ची जो है वो ज्यादा बातें भी नहीं करती, बच्ची जवान भी है जी। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, मार पड़ी है लेकिन इनको कुशन से मार पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मानी भाई, मैं दोबारा आ गया हूँ जी। आज ना मैंने दूसरी लाइन को मैं छेड़ ही नहीं रहा, आज मैं एक ही लाइन से कॉल ले रहा हूँ, आज मैंने कहा जिसकी जो किस्मत। आप बस एक काम करें, बस इसी लाइन पे रहा करें बस। अच्छा दूसरी लाइनों को बस उड़ा दे। अच्छा नहीं वो सामने ना लाइट चल रही है ना, तो एक ही लाइन पे मैं बार बार क्लिक करता जा रहा हूँ। अच्छा तो आज मुझे खुद नहीं पता मैं कौन सी लाइन में लगा हूँ, लेकिन लगा सही लाइन में। आज सही लाइन में आप जी। अच्छा उस्मान, और पहले तो मैं थैंक यू जी मानी भाई, आप पूछेंगे? नहीं नहीं मैं तो पूछने लगा था भाईजान आपकी उम्र नहीं है मार खाने वाली यार। मानी भाई लेकिन ये शौक इतना है ना, जब पढ़ती थी तब बिल्कुल शौक नहीं था, उससे काम एक्चुअली आपको पढ़ती थी ठीक है, लेकिन मुझे अम्मी से ज्यादा अब्बू से मार पड़ी, अम्मी ने कभी नहीं मुझे मारा था। नहीं हम लड़कों को अब्बू ही मारते हैं, हमारी माए तो मारती कम है, मतलब बिल्कुल मतलब वो जूती छूती तो पड़ी होगी उड़ती हुई जो आप बता रहे हैं। हाँ वो तो पड़ती रहती है, याद नहीं है नहीं पड़ी जरूर होगी। नहीं असल में ना हमारी माए जो होती थी ना वो जूतियाँ भी बड़ी चॉइस करके लेती थी कि ये टूटेगी नहीं अगले दो साल। आजकल तो फिर ये वाला हाल हो गया था, जब वो जूती लेने जाते थे तो देखते थे हल्की सबसे ज्यादा कौन थी आपको पता। अच्छा 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 माओ का प्यार भी होता था ना, ये माओ का प्यार होता था बेसिकली कि जूती जरा हल्की लेना क्योंकि मारनी तो मैंने है। वो देख लेना वो उनका ही मेहरबानी है कि उन्होंने हल्कियां ली हैं, इमेजिन करें अगर भारी होती वो जो हिलनी वाली होती तो आपका। नहीं आजकल की माओ से तो अल्लाह ही बचाए, इनके पास तो 6 इंच वाली हील होती है। अच्छा ये क्वारंटाइन में ना बड़ा शुगर लगा होगा वैसे। हाँ मतलब वो पता भी नहीं चलता होगा ना, एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, उनकी बड़ी बहनें होंगी घर में उनकी तो काफी अच्छी खासी। नहीं पहले पहले तो लड़ाई होती थी उस्मान, लड़ाई होती थी मार पड़ती थी बंदे बाहर चले जाते थे, अब तो मसला ये मार खा के बाहर भी नहीं जा सकते थे ना। अब ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि वो जो छत वाला दरवाजा है वो बंद करके छत पे चले। अच्छा माए माए इतनी सख्त हुई हुई थी ना इस लॉकडाउन में, एक तो उनके पास ये परेशानी थी कि 24 घंटे बच्चे बर्दाश्त करने थे, और दूसरा उन बच्चों का बाप भी बर्दाश्त करना था, सो रोला यहाँ पे आके जो है ना ज्यादा हो जाता था। और वो जो बाप होते हैं ना वो आजकल चाय भी एक दफा नहीं मांगते, 5-6 दफा मांगते। अच्छा, और कोई काम नहीं होता। अच्छा चाय का शुगर है
नहीं चाय का शुगर ले ना कि मतलब कोई काम नहीं है, अच्छा चाय बना लो। वो तो काम ही नहीं होता ना चाय वाला, वो तो काम में आता ही नहीं है ना, वो तो शुगर में आता है। हाँ वो शुगर में आता है। थैंक यू सो मच उस्मान। हाँ जी, और बस ये हनी भाई, मैंने आपकी बात से नहीं थी, वो जो रोनी है ना, यहाँ का प्लेयर है स्नूकर का, ठीक है, तो वो एक दफा एक स्नूकर में फंस गया ना, समझ नहीं आ रही थी कि मैंने ये स्नूकर कैसे तोड़ना है। अच्छा, ठीक है, तो फिर उसने पाकिस्तानी अम्मी बुलाई। अच्छा, क्या ये आपका बेटा बैठा है, ये आप खड़ी है, ये जूती आप कैसे मारे, उन्होंने बताया था कि ऐसे मारेंगे, फिर उसने स्नूकर तोड़ा। अच्छा गए हो तुम, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। सही एक्सप्लेन किया है पाकिस्तानी अम्मियों। वालेकुम सलाम, सही एक्सप्लेन किया इसने पाकिस्तानी अम्मियों को। अस्सलाम वालेकुम जी। मानी भाई शो अपलोड होगा? जी जी यार, मेहरबानी करें आप लोग। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत सारे लोग तंग करने पे आ गए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम मानी, कैसे हो? मैं अब्दुल शकूर बात करूं कराची से। जी अब्दुल शकूर, अब मैंने लाइन चेंज कर ली है। जी कौन का? अब्दुल शकूर साहब कराची से, कैसे हैं आप? ठीक ठाक भाई, आप कैसे हो? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सरकार। आपकी आवाज़ से तो नहीं लग रहा कि आप अभी भी मार खाते होंगे। अभी नहीं खाता, पहले जैसे धोबी को कपड़े धोबी धोता है ना, वैसे धोता था पहले मैं तो। माशाल्लाह, फिर तो आप काफी गोरे चिट्टे होंगे। बस मतलब सारी धूल उतार दी ना अम्मा ने। अम्मा ने बचपन में बहुत मारा है। अब्बू ने एक दफा चमेट मारी तो मुझे याद है, बस अम्मा ने ऐसा धोया एक दफा, अम्मा के पैसे रोज मांगता था। अम्मा ने कमीज पहनता था ना छोटा था, तो अम्मा ने वहीं पे पाँव रख के टाइट करके धोया था। अच्छा, छुड़वाने वाला नहीं था। ओए, ओए, ओए। अभी तो बस आज अम्मा की, अम्मा ने आज लेट आया तो अम्मा ने दो तीन खोले कर चुकी थी। जब हमें उस टाइम याद आती है माँ बाप की, जब हमारी अपनी औलाद होती है ना, जब माँ बाप उस टाइम चला जाता है तो फिर बाद में माँ बाप की बहुत याद आती है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और भाईजान ने जैसे मानी भाई आप जो है ना बहुत अच्छे हो, जैसे लोग अभी कह रहे थे ना नाराज होते हो, मानी भाई आप दिमाग के बहुत ठंडे हो और जबान के बहुत मीठे हो, दिल के बहुत साफ हो, कभी आप किसी से नाराज नहीं हो सकते। थैंक यू सो मच, देखा नहीं, इंशाल्लाह इस्लामाबाद आके मिलूंगा आपको। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अब्दुल शकूर थे जी हमारे साथ, कराची से उन्होंने कॉल की। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे और उसके बाद थोड़ी सी महफिल भी जमाएंगे जी, अगले 20 मिनट जो होगी वो महफिल होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम अली भाई, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है। कौन कहाँ से? आमिर फारूक बात कर रहा हूँ। जी आमिर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र आप ठीक हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आमिर साहब। वहाँ पे तो आपके इलाके में तो वो पतली छमके भी मिलती है। हाँ बिल्कुल, वो तूत वाली। हाँ तूत वाली छमक होती है वो, तो खास तौर पे माए जो है ना वो घड़ा के लेके जाती हैं कि काट के दियो जरा थोड़ी जी। बिल्कुल बिल्कुल सर ठीक कह रहे हैं। तो बताएं फिर आखिरी दफा कब ये हादसा पेश आया आपके साथ? असल में सही बात करूं मानी के वालदा ने तो बहुत कम आ रहा है, ज्यादा मेरे वाले साहब मुझे मारते हैं। नहीं ये हम लड़कों को गिला होता है, वैसे हमारी माए कम ही मारती हैं हमें। सही बात करूँ कि अभी उस दुनिया में नहीं, अल्लाह उनको संतोष वाला मुकाम दे, आमीन। तो वालदा ने कम ही मारा है, लेकिन अच्छा। जब मारा है तो सही दुलाई की है। अच्छा फिर एक ही दफा ना सुथरा मारा है। हाँ बिल्कुल, अफरीदी की तरह कभी कभी सेंचुरी करती थी, लेकिन जब करती थी तो फिर 37 बॉल पे ही करती थी। 37 की बजाय वो आप क्या लेंगे, 20 भी हो जाते। ऐसे ही है, चले और कुछ कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जनाब। और अभी हम एक अदद ट्रैक शामिल करेंगे प्रोग्राम में, और जब इस ट्रैक से मैं वापस आऊंगा तो महफिल जम जाएगी। सो जो अच्छे अंदाज में शायरी पढ़ने वाले लोग हैं वो आ जाएंगे और फिर प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। सो अभी ये मार कुटाई वाला प्रोग्राम यहाँ पे खत्म, यानी कि बहुत डेंजरस हो गई है जी माए इस खास तौर पे इस लॉकडाउन के अंदर, और बहुत सारे बच्चे जो है वो शिकायतें कर रहे हैं जी बहुत ज्यादा मार पड़ी है। सो जरा ध्यान कर लें थोड़ा सा। ये ट्रैक जनाब आप सभी के नाम, एक म्यूजिकल ब्रेक, वापसी होगी फिर होगी गपशप। स्टे ट्यून टू 101, मेरा नाम मानी है। फिरेंगी मेरा ना जिथे ना वजन मेरे गाने नी बचिया ऐसा कोई था हूं सुन सर खड़के बिलो दिल फड़के करन सी गल जड़ी में जे अज तू गड्डिया च फिरती हवा बच उड़दाई मेरा प्लेन जे तू गड्डिया च फिरती हवा बच
ਗਏ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਜੁਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇਰੇ ਛਾ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਖਰਾ ਜਮੁੰਡਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੱਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜੱਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਸੇਡ ਪਰ ਚੱਲਿਆ ਨੀ ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਫਿਰਦੀ ਏ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਰੋਪਲੇਨ ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਫਿਰਦੀ ਏ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਈ ਮੇਰਾ ਪਲੇਨ ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਫਿਰਦੀ ਏ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਈ ਮੇਰਾ कोई मुझको ऐसी दलील दे कि मैं तेरे प्यार के नक्श अपनी आंखों से मिटा सकूं। कोई मुझको ऐसी दलील दे कि मैं अपने दिल से तेरी उम्र भर की रफाकतों को भुला सकूं। कोई मुझको ऐसी दलील दे कि इस बेपना प्यार को बिना मोड़ दिए छोड़ सकूं। कोई मुझको ऐसी दलील दे। दलील? अरे पागल लड़की, प्यार प्यार है, कोई दलील नहीं। कोई हार नहीं, कोई जीत नहीं। प्यार तो एक दूजे का साया है, कुछ मिल गया तो ठीक, वरना सब माया है। इन अल्फाज को जो रंग दे, इस प्यार को जो उमंग दे, तहरीर कहीं से ला दो, दलील कहीं से ला दो। कोई मुझको ऐसी दलील दे कि मैं तेरे प्यार के नक्श अपनी आंखों से मिटा सकूं। बोल कफारा, कफारा बोल कफारा। तो जनाब, जो शेर होंगे वो दो मिसरों पे होंगे या चार मिसरों पे होंगे। गजल मैं नहीं सुनूंगा आज के प्रोग्राम में। 15 मिनट आप लोगों के पास, और इस शेर से मैं इस महफिल का आगाज करता हूँ कि आज फिर लाली बनकर आंखों में उतर आया, आज फिर लाली बनकर आंखों में उतर आया, आज फिर मेरे जब्त की तौहीन कर गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन कहां से? इकरा राजपूत बात कर रही हूं। इकरा राजपूत, इकरा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वेलकम टू द शो। सो क्या चार लाइनें लेके आई आज आप? अच्छा, तो ये आपके लिए है जी। मेरी थम थम जावे सांस लिया, मेरी थम थम जावे सांस लिया, मेरी आंख को सावन रात दिया, तुझे तीन तीन दिन में होक उठे, तेरा लहजा बहुत उदास दिया, तेरे पैर की खाक बना डाली, मेरे तन पे जितना मास दिया, तू जाहिर भी तू बातिन भी, तेरा हर जानिब एहसास दिया। क्या बात, तेरी नगरी कितनी दूर सजन, तेरी नगरी कितनी दूर सजन, मेरी बिगड़ी बहुत उदास दिया, मैं जाकर तेरी अजलों से, तू अफजल खासम खास दिया। क्या बात, मुझे सारे दर्द कबूल सजन, मुझे तेरी हस्ती राज जी। क्या बात है, छा गई है। फिर से इकरा राजपूत आज छा गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखो।
भाई अल्लाह हाफिज। और लगता है जी ये महफिल लूटने की तैयारियां करके आ चुकी है लड़कियाँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है मिल गए, घंटे से मैं कोशिश कर रही हूँ जी। कौन कहाँ से? लासानी। लासानी भी आ चुकी हैं। सो आज इकरा राजपूत के फौरन बाद लासानी पहुंची हैं। सो देखते हैं जी लासानी क्या करती हैं। जी लासानी जी, एक मिनट मैं आपको बस सुनाती जी। खिजा के रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जद में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। जरा सी लर्जिश पे तोड़ दे सब ताल्लुक जमाने वाले, तो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा के वो दुख पिछड़ने का भूल जाए। किसी को देना ये मशवरा के वो दुख पिछड़ने का भूल जाए, और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। क्या ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है, जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। क्या बात है। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निकाह अपनी छुपा के रखना कमाल ये है। क्या बात को देखे तो दुख के लश्कर पिलर खड़ाए शिकस्त खाए, जबों पे अपने वो मुस्कुराहट सजा के रखना कमाल ये है। हजार ताकत हो सौ दलील हो फिर भी लहजे में आजजी से अदब की लज्जत दुआ की खुशबू बसा के रखना कमाल ये है। क्या बात है, छा गई हो। बस ना जवाब आप तो भीग जाएंगे। वो क्या खूबसूरत शेर है ना, कि ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है, जो यार बोले वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। हासिल है गजल है ये हासिल है गजल है। थैंक यू सो मच। और ये महफिल की दूसरी मेरी बात। जी जी एक मिनट, वो आपको मेरा लेटर मिल गया था? मैं अभी, मुझे वैसे एक फोन तो आया था लेकिन आज पिक नहीं कर सका, यकीनन मिल जाएगा आज। अच्छा थैंक यू सो मच। लासानी थी जी हमारे साथ, बड़ा खूबसूरत मुबारक सिद्दीकी साहब की गजल पढ़ी उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, मैं आयशा बात कर रही हूँ। आयशा ने कोयटा से कॉल किया। आयशा संगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, मैं पठानी स्पीकिंग में। अच्छा आप उर्दू स्पीकिंग है, चले सुनाए फिर आज है। सुकून रूह को आराम आ गया, मौत आई के दोस्त का पैगाम आ गया। जब कोई जिक्र गर्दिश आयाम आ गया, बे इख्तियार लब पे तेरा नाम आ गया। आए हाय। दीवानगी हो अकल हो उम्मीद के यार, अपना वही है वक्त पर जो काम आ गया। अपना वही है वक्त पर जो काम आ गया। सयाद शादमा है मगर ये सी सोच ले, मैं आ गया इताया सहे दाम आ गया। अहबाब मुझसे कताए ताल्लुक करें जिगर, अब आपका जीसत लबे बाम आ गया। क्या बात है, मैं कहता हूँ जबरदस्त। मैं कहता हूँ कि आप ये तीन कॉलर्स ऊपर नीचे बहुत अच्छे आ गए, और ये मेरे लिए फैसला करना मुश्किल होगा कि आज ये महफिल किसके नाम की जाए। आगे भी देखते हैं, आगे भी बहुत सारे लोग। थैंक यू सो मच आयशा, आपने कोयटा से कॉल की। मैं ये कहना चाहती थी, मैं साइलेंस लिसनर थी काफी टाइम बाद, मैंने कोशिश की, मैं पहले भी करना चाहती थी लेकिन लगी नहीं मेरी कॉल काफी टाइम से, तो आज बहुत खुशी है कि मैंने आपसे बात की। खुश रहे, हंसती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे, और नेक्स्ट कॉलर है जी मिस्टर टू 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 टू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मानी लाला कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। नाम बताएंगे? मंतशा इमरानियन। और ये एक और लड़की आ गई है जी, और ये लग रहा है टफ मुकाबला हो गया। जी सुनाए। ये एक गजल है इमरान अली की, आप जानते हैं? जी जी, अच्छा लड़का जानता हूँ मैं। चलिए जी। इश्क अजाब होता है, बाइस सवाब होता है, बेवफा अगियार की संगत दोहरा अजाब होता है, जाती आंखों में जो कैद हो अंधेरा। अच्छा वापिस आएंगे दोबारा से, शुरू से पढ़ेंगे इसको। जाती आंखों में नहीं, जो नहीं, कैद नहीं, हो अंधेरा, वापिस शुरू से। इश्क अजाब होता है, बाइस सवाब होता है, बेवफा अगियार की संगत दोहरा अजाब होता है, जाती आंखों में जो कैद हो अंधेरा वही ख्वाब होता है, यादें टपकती रहती हैं
बादल जब कोई आप होता है, जिन्हें ढूंढो तेरा लेकर तुम, अक्सर वही नायाब होता है। जब लगे इश्क की हो मानी तभी खाना खराब होता है, तभी खाना खराब होता है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। और ये एक और अच्छी कॉलर जी, चार कॉलर्स ऊपर नीचे आ गए और ये लड़कियों में आज बड़ा सख्त किस्म का मुकाबला है। अभी 10 मिनट बाकी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, नौशाद बात कर रहा हूँ कोयटा से। जनाब वेलकम टू द शो, क्या सुनाएंगे? आज है ये जी पहली वॉइस की कॉल मिली है इस कॉम्पिटिशन में, देखते हैं जी। अपने जिस्म के टुकड़े करके पैरों सोच विचार के बाद मैंने अपना मलबा बेचा, आज तो हाथों हाथ पीट के पाँव भी कोई ले ही गया। आंखें मैंने संभाल रखी हैं, ये मैं उसे दूंगा जो तेरी गली में रहता हो। आए क्या बात है ये मैं उसे दूंगा जो तेरी गली में रहता है, आंखें मैंने संभाल रखी है। खूब जबरदस्त, क्या बात है। अगले कॉलर को साथ लेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मानी भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से? इस्लामाबाद। जनाब सर वेलकम टू द शो, क्या सुना रहे हैं? सर मैं, मुझे गजल वगैरह सुननी आती है, मैं एक मजाइया माहिया आपको सुना सकता हूँ? नहीं, हम गजल सुन रहे हैं इस टाइम पे, माहिया सुन नहीं रहे ना, तो पाकिस्तान छोटा सा माहिया है, बड़े नहीं है। अच्छा चले सुनाते। तो पत्थर नारा दे एक बीच और पालो, त्रै पत्थर नारा दे। ठीक ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान आर्मी से भाई का ताल्लुक था, उन्होंने कॉल की, हमने फिर भी इंटरटेन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, कौन कहाँ से? थोड़ा ऊंचा बोलेंगे ताकि मैं आपकी आवाज सुन सकूं सही। आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? नीलोफर खटक बात कर रही हूँ। नीलोफर, आज ये एक और भी कॉलर अच्छी आ गई है जी, मुझे लग रहा है लड़कियों का बड़ा टफ कॉम्पिटिशन है आज। हाँ जी बिल्कुल, अक्सर लड़कियों को ज्यादा टफ होता है। अच्छा नहीं, मुझे मुश्किल लग रहा है ना, मैं फैसला क्या करूँगा? नहीं कर लेंगे आज। अच्छा चले आ जाए फिर, आज मैं अपनी मर्जी का ही फैसला करूँगा फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अमजद इस्लाम अमजद की मैं सुना रही हूँ, चार लाइन की है बस। फिर जी जी आ जाए। पेड़ को दीमक लग जाए या आदम जात को गम, दोनों को ही अमजद हमने बच्चे देखा कम। आए हंस पड़ता है बहुत ज्यादा गम में भी इंसान, बहुत खुशी से भी तो आंखें हो जाती हैं नम। आए ओके मानिया हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, पढ़ने का अंदाज खूब था वैसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन कहां से? आयशा कहां से बात कर रही हैं आप? लाहौर से। आयशा जरा फोन को करीब करके बात करेंगे ताकि आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आए, ताकि लोग सुन सके से। हाँ जी भाई, अच्छा मेरी गजल सुनाएंगी आज, है सुनाए। मैं और हमसाल बड़ी देर से सोचते रहे, कल शब मैं वो और हमसाल बड़ी देर तक हंसते रहे, हरूफ कागज कलम दवात बड़ी देर तक हंसते रहे, सुना एक घर से अलग अल्लाह मैंने, सुना एक घर से अलग अल्लाह मैंने, अव्वल और बाद रू के जज्बात बड़ी देर तक हंसते रहे। क्या बात है। और सीना बसीना सुनी थी जो इसरारे खुदी की बातें, और सीना बसीना जो सुनी थी दिल से इसरारे खुदी की बातें, दिल के मेरी बात बड़ी देर तक हंसते रहे। ओके इस कारे गैर में जिसने आईना थे जमानी, इस कारे गैर में जिसने आईना थे जमानी, आजमा के मेरी जात बड़ी देर तक हंसते रहे। क्या बात है, मेरी जात बड़ी देर तक हंसते रहे। हंसती रहो मुस्कुराती रहो, बहुत खूब पढ़ा आपने, है मुझे लग रहा था मैं ही पढ़ रहा हूँ। मैं बात करनी थी जी जी, हुक्म करें। वो
जी, मैं आपको उस दिन गजल सुना रही थी, तेरे शहर से जाते जाते हाथ खाली है, उसमें तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, आप मुझे इतना इंस्पायर कर रहे थे मुझे। अच्छा, मैं वो सजाद खान साहब थे, जावेद खान साहब थे, तो इसलिए जरा शुगर लगा रहे थे हम लोग। बड़ा मजा आया मुझे, लेकिन पूरी नहीं है। वो अभी मैं फिर शुरू, मैं फिर से शुरू कर दूं। वाह 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 वाह, चले। ख्याल रखे अपना जी, बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी कुछ टाइम बाकी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहां से? अयाज बात कर रहा हूं सर। अयाज, क्या सुना रहे हैं अयाज? बस थोड़ा सा शेर है सर। आ जाओ फिर। जो जीने की वजह है वो भी तेरा इश्क, जो जीने नहीं देता वो भी तेरा इश्क। आए, जीने की वजह भी तेरा इश्क, जो जीने नहीं देता वो भी तेरा इश्क है। ये इश्क, ये इश्क, इश्क क्या है? बस इश्क, इश्क है सर। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो जी। ये थे अयाज हमारे साथ दुबई से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मोहतरम मानी साहब, तारिक मसूद करनौल से अगेन। जी तारिक साहब, क्या सुना रहे हैं? अर्ज करता हूँ जी जी आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। कभी नजरे मिलाने में जमाने बीत जाते हैं, कभी नजरे मिलाने में जमाने बीत जाते हैं, कभी नजरे चुराने में जमाने बीत जाते हैं। हाय हाय, कभी घर में आने में जमाने बीत जाते हैं, कभी दूसरे शहर जाने में भी जमाने बीत जाते हैं। वाह क्या बात। सुनिए, कभी खोला दरवाजा, खड़ी थी सामने मंजिल, ओए होए होए, कभी मंजिल को पाने में जमाने बीत जाते हैं। क्या बात है। आखिरी शेर जी जी। एक पल में टूट जाते हैं उम्र भर के वो रिश्ते, एक पल में टूट जाते हैं उम्र भर के वो रिश्ते, वो रिश्ते जो बनाने में जमाने बीत जाते हैं। क्या बात है, छा गए आप। अपना बहुत सारा ख्याल रखे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। और बिल्कुल जी, आखिरी दो तीन मिनट बाकी हैं शो के, और मेरा ख्याल है अभी के लिए कॉल्स का सिलसिला खत्म है। और आज की जो महफिल है, यकीनन सारी लड़कियों ने बहुत अच्छा पढ़ा, खूब पढ़ा। एक होता है ना कि किसी ने अच्छा पढ़ा, किसी ने अच्छा नहीं पढ़ा, तो सब ने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन कई लोगों ने जो गजल थी वो मुश्किल उठा ली, उनका उस पे उनका हाथ इतना बैठा नहीं था। लेकिन जो आयशा, जिन्होंने कोयटा से कॉल की थी, उन्होंने बहुत खूब पढ़ा। और इकरा राजपूत, ये जो दो थी, इनके बीच में मुझे फैसला करना बड़ा मुश्किल था। तो आज की महफिल इन दोनों के नाम है, एक आयशा जो कि जिन्होंने कोयटा से कॉल की, और दूसरी जो इकरा राजपूत जिन्होंने रावलपिंडी से कॉल की। सो आज की महफिल आप दोनों के नाम है। और जनाब, छोड़े जा रहा हूँ इस खूबसूरत ट्रैक के साथ और सजाद खान साहब के साथ। सजाद खान साहब स्टूडियो में आ चुके हैं, और जो गजल सुनने वाले सारे और गजल पढ़ने वाले सारे हैं, और बिल्कुल कहीं जाइएगा मत, क्योंकि सजाद खान साहब गजल का प्रोग्राम गुंचा शौक लेके अभी थोड़ी देर में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और यकीनन 4 बजे तक आप लोगों की गजलें सुनेंगे और आपको सुनाएंगे भी। सो हमारे सुनाने में और सजाद साहब के सुनाने में जरा फर्क है, सो आप मजा लीजिएगा। सो एक गजल के साथ ही आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। हमें थी गर्ज तुमसे और तुम्हें बेगर्ज होना था। आज मौसम बड़ा अच्छा है, सो हवा चल रही थी, सो इसी पे एक छोटी सी गजल आप लोगों के नाम के। चली है आज हवा फिर उसी सिमत से, चली है आज हवा फिर उसी सिमत से, लगता है उसने आज मुझे याद किया होगा। गए दिनों में खुद को बहाकर उसने जिंदगी के कुछ लम्हों को बर्बाद किया होगा। आज फिर रुखसारों से मोती बहे होंगे, आज फिर रुखसारों से मोती बहे होंगे, बरसात ने फिर अखियों का तवाफ किया होगा। आज फिर वफाओं को एक नई शिकस्त मिली होगी, आज फिर वफाओं को एक नई शिकस्त मिली होगी, रुस्वा खुद को उसने सरेआम किया होगा। तन्हाइयों में यूं ही उलझकर जफाओं से, तन्हाइयों में यूं ही उलझकर जफाओं से, खुद को उसने एक नया अजाब दिया होगा,
और हिजर में तो पल पल जख्म ही मिले होंगे, हिजर में तो पल पल जख्म ही मिले होंगे, मोहब्बत को उसने दर्द का नाम दिया होगा। और आखिरी है कि किस्सा मुख्तसर मानी बेवफा कहा होगा, किस्सा मुख्तसर मानी बेवफा कहा होगा, इसी पे उसने सोच को तमाम किया होगा। छोड़े जा रहा हूँ जिस खूबसूरत ट्रैक के साथ और इस दुआ के साथ, जहाँ रहिए खुश रहिए और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाइए मेरे लिए जरूर दुआ कीजिए। मेरा नाम जी इमरान अली मानी। अगर आप सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, मैं हमेशा कहता हूँ जी आप लोगों का फीडबैक जो है वो मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करता है, और मैं जब जाता हूँ यहाँ से तो मैं आप लोगों का फीडबैक पढ़ते पढ़ते जा रहा होता हूँ। सो फीडबैक के लिए आप गूगल कर सकते हैं, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं आपको मिल जाऊंगा। मानी इज गोइंग टू साइन आउट। अल्लाह हाफिज। फी इमान अल्लाह। गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा, मेरे दिल की, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की, दिल की तौबा है दिल, अब कार दुबारा ना होगा। बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, there are so many things that we do in life.